Hello dear students of intermediate classes, I am here to help you out with your chemistry textbook. और इस chemistry textbook का हम chapter number 1 पढ़ रहे हैं और आज उसकी fourth topic पढ़ेंगे. That is entitled as Lodermeyer's classification. तो इनकी classification scheme क्या थी? इनकी classification scheme के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये information important है कि इन्होंने 56 elements total जो थे जिनको इन्होंने ग्रुप्स में अरेंज किया था और टोटल जो ग्रुप इन्होंने बनाए थे वो 8 ग्रुप बनाए थे. ठीक है जी. अब किस तरह से बनाए थे, स्कीम क्या थी, वो स्कीम यहाँ से आपका बुक आपको डिफाइन करता है कि लोदरमेयर ने क्या किया था. फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया था अगेंस्ट द एटॉमिक वेट्स. इन्होंने एक ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाए. वाई एक्सिस पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम रखा. ऐसे ही दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे ब्रिटलनेस हो गई, जैसे डेंसिटी हो गई. तो इसी तरह एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो इधर भी डिस्कस किया गया. एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे रखा वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे इन्होंने एटॉमिक वेट रखा. अब एटॉमिक वेट वाला जो एक्सेस था उस पे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे जो ना एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया और फिर उनके वॉल्यूम के हिसाब से उसमें ग्राफ की बॉडी में जो डॉट्स लगाए एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाली पोजीशन डिफाइन करने के लिए. ठीक है जी. जब सारे डॉट्स प्लेस हो गए उसके बाद इन्होंने उन डॉट्स को कनेक्ट किया तो एक कर्व बन गई थी और वो जो कर्व बनी थी उसको लोदरमेयर्स कर्व कहते हैं. ठीक है जी. और उस कर्व के बेस पे इन्होंने फिर ना एक थ्योरी प्रपोज की. और इनकी थ्योरी क्या थी, इनकी थ्योरी ये थी कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो सेम पोजीशन ऑफ द कर्व जो ना सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, कर्व की सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. ठीक है जी. हम जैसे इधर देख सकते हैं, ये उन्होंने रखा वाई एक्सिस एटॉमिक वॉल्यूम और ये उन्होंने रखा एटॉमिक वेट. अच्छा, ये एटॉमिक वेट यहाँ पे 100 नहीं है बल्कि 10 है, तो आखिरी वाला जीरो काउंट ना करें. ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. ओके जी. तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में प्लेस करना शुरू कर दिया. जैसे लिथियम 7, उसका एटॉमिक मास है तो 7 उसका एटॉमिक मास आता है इधर. ठीक है जी. उसका वॉल्यूम कितना बनता है, उसका वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब बनता है तो ये डॉट इसका बनेगा इधर. इसी तरह दूसरों का भी एटॉमिक मास देख के, इसका 23 एटॉमिक मास है और उसका वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे आती है तो इसका डॉट ये लगता है. इसी तरह सारे डॉट्स लगाए, फिर कर्व बनाई, कर्व बना के फिर देखा गया कि कर्व की 3 पोजीशन हैं. ये पीक पोजीशन, ये हमारी यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी पीक पोजीशन, ये असेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग पोजीशन. अच्छा जी. तो इन्होंने देखा कि जो पीक पोजिशन थी उस पर सारे जो ना अल्कली मेटल्स हमारे प्लेस हो गए थे. ये अल्कली मेटल्स आपको नजर आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम. और जो असेंडिंग कर्व थी उस पर जो ना एसिड ऑक्साइड्स बनाने वाले या हेलोजेंस जो ना मौजूद थे, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन इस तरह से. ठीक है जी. तो इनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये थी कि भाई इस तरह से अगर कर्व बनाई जाए तो फिर सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे, सेम पोजिशन पे आ जाएंगे. बट अब इन पे कमेंट करते हैं. कमेंट आपका बुक करता है कि क्या ये स्कीम सही थी या नहीं. इस स्कीम में दो फॉल्स फ्लॉज थे. एक फ्लॉ ये था कि ये प्रेडिक्टेबल इनकम्प्लीट थी. जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस टाइम के वो सारे इंक्लूड नहीं करती थी. और दूसरा, उसी साल मेंडलीव ने भी ना अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी जो कि यानी कि उससे ज़्यादा मेयर से ज़्यादा एलिमेंट्स को कवर करती थी और वो इसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा एक लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड कर दी थी. वो आगे चल के हमें पता चल जाएगा जब हम मेंडलीव की क्लासिफिकेशन स्कीम को पढ़ेंगे. और इसी तरह दूसरा जो इसमें फ्लॉ था वो ये था कि ये अपनी क्लासिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जबकि कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. जैसे अभी मैं एटॉमिक वॉल्यूम को लेके क्या करूँ, अपना प्लेसमेंट करूँ तो डिफरेंट एक कर्व्स बनती है. इसी तरह मैं दूसरी कोई प्रॉपर्टी ले लूँ तो डिफरेंट कर्व बन सकती है. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं थी जैसे न्यूलैंड ने दी थी कि भाई आप यूं करो कि अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के फॉर्म में एक लॉ हमें एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे दी कि
आप अरेंज करो एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर वो एलिमेंट जो कि एट्थ पोजीशन पे आएगा वो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी फर्स्ट पे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी तरह इनका इस क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं नजर आ रहा था। ठीक है जी, तो ये दो फ्लॉज की वजह से ये पीरियोडिक टेबल इतनी कोई फेमस नहीं हुई। दैट्स ऑल। आई नो यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।